हेलो एवरीवन, वेलकम टू साथ घर सा। मैं पूनम और आज मैं बनाऊंगी दाल तड़का और जीरा राइस। तो आज मैं बनाऊंगी केरला स्टाइल दाल तड़का। तो इसे मैं सर्व भी करके बताऊंगी आपको किस तरीके से साउथ इंडियन दाल तड़का को सर्व करना है। और प्लीज़ रेसिपी को पूरा देखें। तो इस तरीके से कोई भी कटोरी ले लें या बाउल, और छोटी सी कटोरी बाउल उसमें रख दें, और फिर इस तरीके से चावल को ऊपर से ढक दें। फिर एक प्लेट लें और उसे टर्न कर दें, पलट दें, और ऊपर से फिर इस कटोरी को उठा लें हल्के से प्रेस करते हुए। और ये देखिए, बहुत ही अच्छा और यूनिक तरीका है दाल और राइस को सर्व करने का। तो बस इसमें हम डालेंगे हमारी जो दाल तड़का बनी है ना, उसे डालेंगे। बहुत ही लाजवाब सा स्वाद और टेस्टी दाल तड़का हमारी बनी है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, और पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर कर दें। और यहाँ पर हम रखेंगे कड़ी पत्ता। तो हो गई ना हमारी स्टाइलिश केरला या साउथ इंडियन टाइप के दाल तड़का। रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जीरा राइस बनाएंगे। उसके लिए लेंगे हम 250 ग्राम बासमती राइस। तो कप से एक कप है, और ग्राम से 250 ग्राम आपके पास। अगर बासमती राइस नहीं है तो आप नॉर्मल भी जो डेली यूज़ में खाते हैं उससे भी आप राइस से जीरा राइस बना सकते हैं। तो अभी हम चावल को धोएंगे। तो 3 से 4 बार आप पानी से अच्छे तरीके से चावल को मलमल के धो लें, पानी डालें, और हाथों से अच्छे से मैश कर ले। अच्छे से इसे इस तरीके से रगड़ते हुए चावल को 2 से 3 बार धो लें। तो यहाँ पे हमने चावल को अच्छी तरीके से धो लिया है। फिर एक पैन लेंगे और उसमें हम डालेंगे 4 कप पानी। तो यहाँ पे हमने जिस कटोरी से लिया था उसी कटोरी से नाप करके, जिस कटोरी से हमने 1 कप चावल लिया था उसी से नाप करके 4 कप पानी डालेंगे। और पानी में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच हमने डाला है नमक, और आधा चम्मच ही डालेंगे इसमें तेल। तो आप तेल की जगह घी भी डाल सकते हैं। तो बस एक उबाल आने देंगे, और एक उबाल आने के बाद जो हमने चावल को धो के रखा था उसे डाल देंगे। तो गैस को मीडियम फ्लेम पे कर दें और चावल को डाल दें, और बीच बीच में चलाते रहें। तो देखिए, चावल में उबाल अच्छी तरीके से आ चुका है, और 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, और चावल थोड़ा सा भी हमारा बाकी है पकना। तो आप हाथों से चेक करके देख लें, थोड़ा हम और पकाएँगे। तो चावल को बिना कवर किए, बिना ढके ही पकाना है। तो ये देखिए, लगभग चावल हमारे पक चुके हैं। तो इस तरीके से आप एक चावल लें, हाथों से प्रेस करें। ये देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से चावल पक गए हैं। तो बहुत ज़्यादा गलना नहीं चाहिए। तो ये देखिए, चावल हमारे पक चुके हैं। उसी समय गैस बंद कर दें और चावल को छान लेंगे। चावल को छानने के बाद आप इस तरीके से कोई भी छलनी ले लें, उसमें चावल को छान लें और फैला करके रख दें ठंडा होने के लिए। क्योंकि अगर आप गर्म गर्म जीरा राइस बनाएंगे तो आप कितने अच्छे जीरा राइस नहीं बनेंगे। तो इसलिए चावल का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। तो हम साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और इधर हम बनाएंगे दाल तड़का। तो यहाँ पे हमने लिया है तुवर दाल, अरहर की दाल 1 कप लिया है। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच उड़द की दाल, बिना छिलके वाली उड़द की दाल लिया है। तो इस चीज़ का आप ध्यान दें, और अच्छी तरीके से हम इसे भी 3 से 4 पानी में धोएंगे। दाल को हाथों से रगड़ते हुए अच्छे से धो लें, दाल को अच्छी तरीके से साफ़ कर लें, तभी अच्छा टेस्ट आएगा दाल में। तो दाल हमारी अच्छी तरीके से धुल चुकी है। आपके पास धुली उड़द की दाल नहीं है तो उसकी जगह आप मूंग की दाल भी ले सकते हैं 2 चम्मच। तो यहाँ पे हमने लिया है 1 प्याज, उसे हमने रफली काट लिया है। 1 टमाटो, उसे भी रफली काट लिया है। टमाटो प्याज को बहुत बारीक नहीं करना। और यहाँ पर हमने लिया है 2 चम्मच ग्रेट किया हुआ ताज़ा नारियल, 2 हरी मिर्ची, उसे हमने बीच से काट लिया है, और ये है कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आज हम बना रहे हैं साउथ इंडियन स्टाइल दाल तड़का, तो कड़ी पत्ता तो उसमें डलना बनता ही है। तो आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो बस सब तैयार है हमारे सामग्री, और हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 कुकर, कुकर में हम दाल को डाल देंगे। दाल डालने के बाद इसमें हमने जो प्याज, टमाटर, मिर्ची, नारियल और कड़ी पत्ता रखा है ना वो काट के, उसे भी हम इसमें डाल देंगे। तो आज मैं जो दाल तड़का बना रही हूँ इसमें 3 से 4 लोग अच्छे तरीके से खा सकते हैं। तो अभी हम सारे सामान इसमें सामग्री को डाल देते हैं। अभी हमने गैस ऑन नहीं किया है, और इसके बाद हम डालेंगे पानी। तो जिस कप से, एक कटोरी से हमने नाप के दाल लिया था उसी कटोरी से नाप करके इसमें हम डालेंगे 4 कटोरी पानी। आप इस चीज़ का ध्यान दें, तो जिस कटोरी या कप से आप चावल नाप रहे हैं उसी से नाप करके पानी डालें, या जिस कटोरी या कप से आप दाल नाप रहे हैं उसी से नाप करके पानी
दाल में डालें। रेसिपी को देख करके अगर आप स्टेप बाय स्टेप जीरा राइस और दाल तड़का बनाते हैं तो आपके बहुत ही लाजवाब से दाल तड़का और जीरा राइस बनेगा। तो यहाँ पे हमने 4 कटोरी पानी डाल दिया है, 1/2 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर और 1 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च सिर्फ कलर के लिए, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। तो यहाँ पे हमने 1 छोटा चम्मच नमक डाला है और यहाँ पे हम डालेंगे 4 पिंच हींग। तो हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और अभी हम ढक्कन लगा देंगे और गैस को मीडियम फ्लेम पे करेंगे, गैस ऑन कर दें और 3 सीटी आने दें। तो गैस को मीडियम फ्लेम पे करके ही 3 सीटी आने के बाद गैस बंद कर दें और अच्छी तरीके से सीटी का भाप निकलने के बाद कुकर को खोलें। और ये देखिए, वाओ, हमारी लाजवाब सी बहुत ही स्वादिष्ट सी दाल बनकर के तैयार है। तो इसी समय आप अच्छी तरीके से इस तरीके से मत देंगे तो आपकी दाल अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी। या तो आप मथनी से भी मस सकते हैं या हैंड ब्लेंडर से भी मस सकते हैं, पर जब दाल गर्म रहती है आप इस तरीके से कलछुल से अच्छी तरीके से फेंट देंगे ना, तो तभी ही अच्छे तरीके से दाल हमारी मिक्स हो जाती है। तो बस हमारी दाल रेडी है। दाल में पानी की क्वांटिटी एकदम बराबर है, ना बहुत ज़्यादा पतली है ना बहुत ही गाढ़ी है। अगर आपको ज़्यादा पतली दाल चाहिए तो इसके लिए आप 1 कप पानी और डाल के पका सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 कप डाला है तो उसी समय आप 5 कप डालें। तो चलिए हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है 2 चम्मच देसी घी। तो एक पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे देसी घी। घी डालने से उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है दाल तड़के का। घी गर्म हो जाने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच राइस सरसों के दाने। तो यहाँ पे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो घी गर्म हो चुका है, उसी समय हम डालेंगे राई और 1/2 चम्मच इसमें डालेंगे जीरा और साथ ही हम डालेंगे कड़ी पत्ता। तो 8 से 10 हमने कड़ी पत्ता डाला है और सबको हम पका लेंगे जीरा और राई को चटकने तक। अच्छे तरीके से पकाना बहुत ज़रूरी है। और जीरा राई हमारे अच्छे तरीके से पक चुके हैं, तो ये सबको गैस को मीडियम फ्लेम पे करके ही पकाना है। और अभी हम इसमें डालेंगे 1 इंच अदरक का, और अदरक को हमने काट लिया है छोटे छोटे पीस में। और यहाँ पे हम डालेंगे 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, उसे भी हमने बारीक काट लिया है। और सबको हम पका लेंगे। और सबको पकाने के साथ ही हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची। तो यहाँ पे हमने 3 हरी मिर्ची ली है, आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसा आप तीखा खाना पसंद करते हो। अगर आप लाल मिर्ची खाना पसंद करते हैं तो तीखी मिर्ची की जगह आप लाल मिर्ची डाल दें। आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। तो चलिए, यहाँ पे हमारे तड़का तैयार है, मिर्ची भी पक चुकी है, अदरक और लहसुन भी, और इसमें अभी हम डालेंगे प्याज। तो यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और प्याज को हम भूनेंगे अच्छे तरीके से। तो हमें प्याज को इतना भूनना है कि हल्का ब्राउन जैसा हो जाए, गोल्डन जैसा। तो गैस को मीडियम फ्लेम पे करके हम प्याज को भूनेंगे। तो लगातार हम प्याज की भुनाई करेंगे और ये स्टेप बिल्कुल भी स्किप ना करें और इसे अच्छी तरीके से भुने, तभी आपके दाल तड़के का स्वाद बहुत ही लाजवाब होगा। और ये देखिए, भूनते हुए में 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और इसी समय हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच धनिया का पाउडर। तो साथ में हम प्याज के ही भूनेंगे। तो 1 चम्मच धनिया का पाउडर और 1/4 चम्मच हमने डाला हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। तो प्याज के साथ हमें इसे भी भूनना है। तो 1 मिनट तक हमें इसी तरीके से और भी भूनना है मसालों के साथ। और 1 मिनट पूरा हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पे हमने आज 2 टमाटर लिया है मीडियम साइज़ के, उसे हमने बारीक छोटा छोटा काट लिया है। दाल तड़के में टमाटर का पेस्ट ना डालें, इसी तरीके से बारीक काट करके ही टमाटर को डालें और सबको अच्छे तरीके से पका लेंगे। और टमाटर गल जाने के बाद 3 से 4 मिनट के बाद दाल को इसमें डाल देंगे और ढक करके पकाएंगे। और ये हमने दाल डाल दिया था और अभी हमने उबाल आने के बाद ढक्कन को निकाला है। तो बस इसे अच्छे तरीके से मिला लें, आप चाहे तो हैंड ब्लेंडर या मथनी से मथ भी सकते हैं। टमाटर डालने के बाद दाल को डाल दें और 1 उबाल आने के बाद आप इस तरीके से धनिया के पत्ते डालें, सबको अच्छे तरीके से मिलाएं और बढ़िया हमारी दाल तड़का बन करके तैयार है। आप इसे गरम गरम सर्व करें। आप हमारी दाल तड़का का कलर देखिए, रेस्टोरेंट होटल ढाबा सब फैले, इतनी बढ़िया और लाजवाब सी कलर और स्वादिष्ट हमारी आज की केरला और साउथ इंडियन टाइप की दाल तड़का बनी है।
तो आज हम बना रहे हैं दाल तड़का। तो दाल तड़का में दो बार तड़का पड़ता है, तो इस तरीके से थोड़ा सा धनिया के पत्ते डालें। और चलिए हम आखिरी तड़का देते हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे आधा चम्मच देसी घी, और घी गर्म हो जाने के बाद आधा छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे राई। राई तड़कने के बाद दो से तीन इसमें डालेंगे मिर्ची तोड़ करके, दो पिंच डालेंगे हींग, और गैस बंद कर देंगे। तुरंत हम डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च आधा छोटा चम्मच, और बस दाल के ऊपर आप इस तरीके से डाल दें, ऊपर से हरी धनिया से गार्निश कर दें। और देखिए कितनी यम्मी स्वादिष्ट, देख के मुँह में पानी आ रहा होगा, इतनी लाजवाब सी, सच में बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट सी हमारी साउथ इंडियन दाल तड़का बन करके तैयार है। तो यहाँ पे हमने आज बनाया है दाल तड़का साथ में जीरा राइस। तो ये है हमारी दाल तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज दाल तड़के की रेसिपी पसंद आई हो, तो बस आप इसे गरम गरम सर्व करें राइस या रोटी के साथ। तो चलिए यहाँ पे हमारी दाल तड़का तो तैयार है, तो चलिए हम बना लेते हैं अपना जीरा राइस। तो राइस तो हमने पहले ही बना लिया था चावल, तो बस तड़का ही देना। तो यहाँ पे हम पैन लेंगे, पैन में डालेंगे दो चम्मच देसी घी। घी गर्म हो जाने के बाद इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच जीरा। जीरा को अच्छी तरीके से पका लें, अच्छी तरीके से, जब तक वो चटकने ना लगे और हल्का सुनहरा ना हो जाए। हल्का गोल्डन सुनहरा होने तक जीरा को पकाना है। गैस को मीडियम फ्लेम पे करके ही जीरा को पकाएं, नहीं तो जीरा जल जाएगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो बस हमारा जीरा अच्छी तरीके से पक चुका है, गोल्डन सुनहरा हो चुका है। तो अभी इसमें हम डालेंगे थोड़े से हरी धनिया के पत्ते। नमक तो हमने पहले ही डाल दिया था, तो अभी हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे हरी धनिया के पत्ते, और बस तुरंत ही इसमें डालेंगे जो हमने राइस को पका के रखा था ना, उसे डालेंगे और अच्छे तरीके से जीरा में मिला लेंगे। तो जीरा राइस में जीरा और हरी धनिया का पत्ता का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और आप कोशिश करें कि देसी घी में ही तड़के को लगाएं। एक चीज़ का आप और ध्यान दें कि गरम गरम कभी भी जीरा राइस ना बनाएं, जब चावल ठंडा हो उसके बाद ही आप तड़का दें, तभी आपका जीरा राइस बहुत ही फंटास्टिक और टेस्टी बनेगा। तो बस ये हमारा खिला खिला जीरा राइस बनकर के तैयार है। जीरा राइस आपको जब भी बनाना है, तो जब आप चावल को पकाएं उसी समय नमक डाल दें। तो यहाँ पे हमने पहले से ही चावल जब पका रहे थे तभी नमक डाल दिया था स्वाद अनुसार, तो इसलिए इसमें हम थोड़ा सा धनिया के पत्ते और अभी डालेंगे। सबको अच्छे से मिला लें, और बस हमारा रेडी है जीरा राइस और दाल तड़का। बहुत ही औसम सी रेसिपी मैंने आपके साथ आज शेयर की है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें, और पसंद आए तो शेयर कर दें। तो बस इसे अभी हम सर्व करेंगे। तो आपको मैंने सर्व करने का तरीका पहले भी बताया है, अगर आपको उस तरीके से सर्व करना है तो आप उसे भी कर सकते हैं, बहुत ही यूनिक सा तरीका है, और आप इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं। तो आप गरम गरम जीरा राइस बनाएं, खाएं और खिलाएं। बहुत ही स्वादिष्ट और औसम सी जीरा राइस और दाल तड़का हमारी बनकर के तैयार है। आपको यकीन ना हो तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, बनाएं, खाएं, और फिर मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरे आज के जीरा राइस और दाल तड़के की रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पे मैंने एक एक चीज़ आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, बताया है अच्छी तरीके से कि कैसे आपके जीरा खिला खिला जीरा राइस बना सकते हैं, और दाल तड़का साउथ इंडियन टाइप का किस तरीके से बनता है। साउथ इंडियन पारंपरिक दाल तड़का हमारा बनकर के तैयार है। स्वादिष्ट जीरा राइस और दाल तड़का कैसे आप बनाएं, तो पूरी विधि मैंने आपके साथ शेयर की है, और उसे आप किस तरीके से यूनिक तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं वो भी तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। जीरा राइस और दाल तड़के की रेसिपी अभी तक तो आपने पूरी देख ही ली है, तो प्लीज़ बिना देरी किए आप ये रेसिपी को शेयर कर दें। आप स्वाद घरसा के चैनल को फॉलो कर सकते हैं पेज पे और इंस्टाग्राम पे भी, तो प्लीज़ रेसिपी को देखें, बनाएं, खाएं और खिलाएं। जल्दी मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।